आप हैं आदरणीय बीएल देवांगन सर जी, हमारे बीओ सर हैं, और आप हैं श्री सुधीर एक्का सर जी, हमारे बीआरसी सर हैं, आप हैं श्री रामाधार साहू सर जी, आप हमारे संकुल समन्वयक हैं, और आप मुझे तो आप पहचान ही रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे स्टाफ में हैं श्री लक्ष्मण सिंह वर्मा, पाठक है नोहा टंडन सर जी हमारे साथी हैं, और हमारी एक बहन है धनिता शर्मा जी। अध्याय 6 गुणज और गुणनखंड। बच्चों, जब भी आप गणित पढ़ो तो गणित में कोई भी कॉन्सेप्ट को नया मत समझो। ये सभी कॉन्सेप्ट जो है आप लोग कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। उसमें से आपके मन में सबसे पहले यह सवाल आना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे आपने लाभ हानि पढ़ा, लाभ हानि कहाँ होता है। आपने एक एक नियम पढ़ा, एक एक नियम का उपयोग कहाँ होता है। जैसे आप कहाँ शब्द मन में डालते हैं, एक नए शब्द, नए विचार मन में आएंगे। उसके बाद उसमें उपयोग करो कि उसको हम क्यों सीखें, हम गुणज और गुणनखंड को क्यों सीखें, क्या हमें ज़रूरत है। ये दूसरा सवाल अपने मन में कीजिए। तीसरा सवाल कीजिए, हम इसे कैसे सीखें। कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो उसमें इन तीन प्रश्नों को शामिल करना, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करना। तो हम सबसे पहले कहाँ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको ये लाइट दिख रहे हैं, अब इसको और विशेष रूप से देखिए। ये जो लाइट है एक एक करके जल रहा है, और ये झालर लाइट है। इसको आप लोग नवरात्रि में, दीपावली में, त्यौहार में, जब भी आपके घर खुशियों का समय आता है, चाहे शादी में, घर की सजावट का उपयोग करते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इसको हम इसमें शामिल क्यों किए। इसमें देखिए, लाइट जो है एक के बाद एक जल रहा है हर कलर का, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरे के पूरे लाइट एक साथ जलते हैं और पूरे के पूरे लाइट एक साथ बुझ जाते हैं। अब आपको हिसाब लगाना है कि कितने सेकंड बाद ये पूरे लाइट एक साथ जलते और बुझते हैं। अब बड़ा कठिन सवाल आपको दे दिया हमने, इसको कैसे हल करोगे। चलिए, अब एक काम कीजिए, जो पीला कलर का लाइट है उसको ध्यान से देखिए, वो कितने सेकंड में जल रहा है और बुझ रहा है। पीला कलर का लाइट हर 2 सेकंड में जलता है। उसके बाद लाल कलर का 3 सेकंड में, और उसके बाद हरा कलर का 4 सेकंड में। अब हमने इतना आपका हेल्प कर दिया कि 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, इसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन क्लास ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम कहाँ पर बात कर रहे थे, एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण, आप खरोरा में हैं, खरोरा एक बस स्टैंड है मान लो, आप जहाँ भी है एक स्थान को सोच लीजिए, आप खरोरा में हैं। खरोरा बस स्टैंड में 2 गाड़ियाँ खड़ी है, एक कार एक बस, इसको रायपुर जाना है और रायपुर से वापस भी आना है। सुबह दोनों 8 बजे हम निकाले, देखिए 8 बजे दोनों रवानगी कर दिए। अब कार का स्पीड ज़्यादा है, बस का स्पीड कम है, तो देखो कार पहले वापस आ जाएगा और बस उसके कुछ देर बाद। अब कार को 2 घंटे का समय लगता है और बस को 3 घंटे का समय लगता है। अब बताओ, सुबह 8 बजे एक साथ निकले हैं तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। क्या वे इसके लिए आपको दिन भर बस स्टैंड में बैठना होगा, नहीं, आप इसको 10 सेकंड में बता देंगे। अब हम इसको कैसे बताएंगे, वास्तव में ये जो हम 2 उदाहरण बताए एक उदाहरण के रूप में था, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, और ये सब लघुतम समापवर्त के उदाहरण हैं। और लघुतम समापवर्त सीखने के लिए आपको गुणज सीखना होगा, और गुणज फिर नया सर बता दिए क्या है। वास्तव में गुणज भी नया नहीं है, गुणज को आप लोग जानते हैं। जैसे कि मैं सवाल चालू रही एक कि आप 5 का पहाड़ा बता सकते हैं क्या, सब बच्चे नहीं होना है, चलो लिख देते हैं। ये आपने 5 का पहाड़ा लिख दिया, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 इस प्रकार से आपने पहाड़ा लिख दिया। तो वास्तव में जो पहाड़ा होता है
सामान लहे करना ही वही उसका गुणज कहलाता है। हमारे साथ और साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी का वेलकम है। वास्तव में जो पहाड़ा है वही गुणज है। अब एक सवाल और है कि यहाँ पर जो पांच के गुणज हम 50 तक बताए हैं, तो 50 से ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है, 50 के बाद 55, 60, 65, 70, 75, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ये जो है कभी कम नहीं, कभी रुकेगा नहीं। अगर आप 1 लाख भी कर दोगे ना, तो 1 लाख में 5 जोड़ दो, 1 लाख 5, 50 करोड़ कर दोगे तो भी उसमें 5 जोड़ दो। इस प्रकार किसी संख्या के गुणज सबसे बड़ा हम पता नहीं कर सकते। चलिए अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 के गुणज बताइए। अरे वाह, आपने बता दिए 6, 12, 18, 24, 30, 36। अरे डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 क्यों लिखी है सर, देवांगन सर ने? एक्चुअली डॉट डॉट का मतलब है ये आगे बढ़ते जाएगा कई किलोमीटर तक। अब हमारे कापी तो छोटा है इसलिए इसको संकेत बना दिए, गणित तो संकेतों की दुनिया है। उसके बाद एक और शब्द जानिए, जो गुणज है उसी को अपवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। तो अब अपवर्त्य और गुणज दोनों एक ही है। अब कोई इस मेढक मेढक के को देख के सीखेंगे क्या? अब मेढक क्या करता है, जब एक बार जंप करता है तो 3 खंड जंप करता है। देखो यहाँ पे 0 में था, अब 1, 2, 3, 3 बार आगे जंप किया। अब देखो किसने पहुंचा, 3 ने पहुंचा ये। उसके बाद और जंप किया ये, अब ये 6 में पहुंच गया। उसके बाद किस में पहुंचेगा, कोई बच्चे बताएंगे क्या? चलिए कौन बताने वाले हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं आज साथ बच्चों में। हाँ बता रहे हैं कोई, हाँ किसी का आवाज है? 9 हमारे साथ आज बच्चों में दिख नहीं रहे हैं। हाँ ये दीपिका नायक जुड़ी हुई है, दीपिका ये हमारी स्कूल की बच्ची है, दीपिका नायक। हाँ वीडियो, हाँ उसका वीडियो ऑन कर लो जी। नायक जी सामने में ना वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो शूटिंग जैसे करते हैं वैसे दिख रहा है, उसको दबाइए। हाँ फिर आपका वीडियो आएगा सर, मैं उनका पापा बोल रहा हूँ सर। अच्छा कहाँ गए दीपिका, कहाँ गए? चल सर मैं ड्यूटी आ गया हूँ सर। अच्छा चल 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 ठीक है, शुरुआत कीजिए कम से कम, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, फिर अपने बच्चों को जोड़ेंगे। तो एक बच्चे ने सर, तो हम चले देखते हैं कि वास्तव में होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे आपने 9 कहा, देखते हैं, देखिए ये 9 में जाएगा, 12 में जाएगा, 15 में, 18 में, इस प्रकार से मेढक इस सब में जंप करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सभी जो है 3 के अपवर्त्य है। अब क्या मेढक 17 पर भी कूदेगा? नहीं, क्यों नहीं जंप करेगा? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 17 नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि 17 इसके अपवर्त्य नहीं है। यानी हम इसको देखकर बता सकते हैं कि 3 के अपवर्त्य कौन कौन से हैं। तो चलो एक गेम भी खेलते हैं। अब आपके सामने ये 7 एक मुसीबत में है, ये पूछ रहा है आपसे कि मेरे अपवर्त्य कौन कौन है, मेरी मदद कीजिए। तो चलो भाई इसकी मदद करते हैं। बताओ 10 इसके अपवर्त्य है क्या? नहीं है, देखो गायब हो गया। 15 नहीं है, ये भी गायब हो गया। 14, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, हाँ ये जो है। उसके बाद देखिए 12, 12 भी नहीं है, 7 पंचे 35, ये 77 भी है और ये 35 भी है। उसके बाद 24 नहीं है, 41 नहीं है, 47 नहीं है, 53 भी नहीं है और 56 है और 70 है। इस प्रकार से 7 का जो अपवर्त्य है इसमें 7। अब यही सवाल मैं अभी क्लास वर्क में, अभी मोबाइल में एक लिंक भेजूंगा, उसमें इसी प्रकार के सवाल है, इसको आप देखना। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 साथी आ गए, 6 और 9।
दोनों बोलते हैं कि भाई अब ऐसे इसमें से ऐसे संख्या जो हम दोनों के अपवर्ती हो। अब देखो ये 12 को, तो 12 जो है 6 के पहाड़े में आता है, 12 जो दोनों के अपवर्ती नहीं होंगे। उसी प्रकार 18 देखो, 6 3 18 और 9 2 18, हाँ 18 नहीं दोनों के पहाड़ा में आता है, इसलिए 18 जो है इन दोनों के अपवर्त हुए। 45 9 5 45, लेकिन 6 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ये 6 के पहाड़ा 78 दोनों में नहीं आएगा, 24 6 के पहाड़ा। 36 को देखिए, 36 जो है दोनों के पहाड़ा में आता है, 6 6 का 36 5 6 36, फिर 48 भी नहीं है और 66 भी नहीं है। देखिए उसके बाद 54 54, यहाँ पे देखिए बाई मिस्टेक मेरे साथ गायब हो गया, इसमें मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है 54 भी हाँ यहाँ से हम लिख सकते हैं, एनोटेट कर देते हैं इसको, हाँ ये 54 भी इसके पहाड़ा में आता है। उसके बाद ये 72 इसके पहाड़ा में आएगा, लेकिन 63 पहाड़ा में नहीं आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 9 के पहाड़ा में 18 36 54 और 72 आता है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये 18 सबसे छोटा है। अब हम इसी के पर बात करेंगे। अब 4 के अपवर्त बताइए, ये सब 4 के अपवर्त है। 3 के अपवर्त बताइए, ये 3 के अपवर्त है। अब इन दोनों में ऐसे अपवर्त ढूंढिए जो दोनों में समान हो। देखते हैं इसमें 4 है इसमें नहीं है, इसमें 8 है इसमें नहीं है, इसमें 12 है इसमें भी 12 है, तो हमने 12 को देखे मिल गया, 12 को यहाँ लिख दिए। और आगे बढ़ते हैं, 16 इसमें 15 नहीं है, 20 भी नहीं है, लेकिन दोनों में 24 है। उसके बाद और आगे बढ़ रहे तो हमने आगे बढ़ा दिया। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, 12। तो वास्तव में जो सबसे छोटा है उसी को कहा जाता है लघुतम समापवर्त्य। तो इसका लघुतम समापवर्त्य होगा 12। तो अब आपके पुस्तक में चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, यहां पर इसका लघुतम समापवर्त्य पूछा जाए पूछा है। और जैसे आप बड़े होते जाएंगे, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते जाएंगे, इसके और नए नए तरीके भी हैं, इसको हम बताएंगे, लेकिन अभी आपके पाठ में यही विधि बताया गया है, इसलिए इसी विधि को बात कर रहे हैं। तो 6 के अपवर्त लिखिएगा आप, ये 6 के अपवर्त हुआ। 8 के अपवर्त लिखिएगा, उसके बाद 12 के, देखिए हमने सब पहाड़ा लिख दिया, अपवर्त यानी पहाड़ा लिख दिया। अब इसमें जो समान है उसको छांटिए, देखिए सब में 24 है, 24 को हमने लिख दिया, उसके बाद 48 है, 48 को लिख दिया, फिर डॉट डॉट। अब यहाँ डॉट डॉट करते क्या होगा बच्चों, ये आगे बढ़ेगा, 24 के पहाड़ा लिखते जाइए आगे हो जाएगा, तो 24 48 और आगे बढ़ेगा। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 24, तो 24 इसका लघुतम समापवर्त्य है। अब हम आते हैं उस उदाहरण पे, उसी झालर लाइट पे, जहाँ पे जो लाइट है लगातार जल रहा है और 2 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड में जलता है। तो अब क्या करें आप, 2 और 3 और 4 का लघुतम समापवर्त्य निकाल दीजिए। तो 2 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे, ये 2 के अपवर्त्य, 3 के, ये सब 3 के अपवर्त्य हैं, और ये 4 के अपवर्त्य। देखिए अब इसमें से समान अपवर्त्य कौन कौन से, देखो तीनों में 12 है, उसके बाद तीनों में 24 है, देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 12, तो इसका लघुतम समापवर्त्य क्या होगा, 12। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट है हर 12 सेकंड में, हर 12 सेकंड में एक साथ जलता है, एक साथ। अब हम आ गए अपने दूसरे सवाल में, इसके बारे में बात किए थे जहां ये दोनों आगे बढ़ते हैं, ये 2 घंटे में था, ये 3 घंटे में था। तो 2 और 3 का यहाँ पे लघुतम समापवर्त्य निकाल दीजिए, तो 2 के अपवर्त्य होंगे, ये 3 के अपवर्त्य हैं। अब इसका देखिए दोनों समान कौन कौन से हैं, दोनों में 6 आया है, दोनों में 12 आया है, देखो 6 और 12। अब सबसे छोटा कौन है, 6 है, तो यहाँ पे 6 घंटा बाद, इसका अर्थ है दोनों वाहन
छः घंटा बाद मिलेंगे, तो आप 8 बजे में 6 घंटा जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़े कैसे 8 में 6 घंटा, अब घड़ी में कितना बजे हैं, 8 बजे हैं, तो 8 में 6 घंटा जोड़ना है, तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, किसे पहुंचे हमने 2 बजे में, ये सुबह का 8 बजे था तो दोपहर का 2 बजे पहुंचेगा, तो 2 PM। तो इस प्रकार से दोनों गाड़ी जो है 2 बजे आपस में एक साथ मिलेंगे। अब इसके लिए आपको दिन भर बस स्टैंड में बैठना पड़ा क्या, नहीं पड़ा, हम सिर्फ सवाल को सुने समझें और यहीं से उत्तर बता दिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे मंदिर में देखना घंटी अलग अलग टाइम में बजता है, उसको आधार पर आप बता सकते हो, जैसे 1 घंटी हर 2 मिनट में बजता है, 1 घंटी 3 मिनट में बजता है, 1 घंटी 4 मिनट में बजता है, तो कितने समय में बजेंगे ये जान सकते हैं। कई बार क्या होता है, ट्रेन जो है कोई ट्रेन हफ्ता में 2 बार आता है, कोई ट्रेन हफ्ता में 3 बार आता है, तो कौन से दिन में वो एक साथ आएंगे ये भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, इसको हल करना है। तो ये तो था हमारा क्लास, अब आता है होमवर्क की बारी। अब आपको मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, अब ये स्क्रीन में दिखा रहा हूँ जिसमें आप सब लोग भी दिख रहे हैं। अब इसके राइट साइड में देखिए, मैं आप लोग जुड़े, आप सबका नाम है, मैं अब एक मैसेज टाइप करके भेज रहा हूँ। देखिए सबके मोबाइल में नीला रंग का एक ठो लिंक आ गया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखिए, सबके मोबाइल में आ गए है नीला रंग का लिंक, आ गया सबको, मिल गया। अब उसको क्लिक कीजिए सभी, और उसमें कुछ प्रश्न, सिर्फ 5 प्रश्न है और 10 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं किसका किसका उत्तर। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न ऐसे दिखा रहे होंगे, ऐसे आपको कुछ सवाल दिखा रहे हैं जिसमें आपको भरना है, चलिए फटाफट भरिए। चलिए ऐसे आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप टीचर हैं तो कर सकते हैं, इससे क्या आपका क्लास बहुत इफेक्टिव जाएगा। देखिए हमारे साथ 6 साथी का भी गए उत्तर, 6 साथी ने उत्तर दे दिए हैं, और भेजिए। साहिल ने 10 में 10 नंबर पाया है, आपने कितना नंबर पाया जल्दी। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्लास खत्म हुआ, अब आपको क्या करना है, होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप जो है ऐसे सवाल सोचिएगा जहाँ पर लघुतम समापवर्तक का उपयोग होता है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, क्या उसमें कमियाँ रही, क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ महेंद्र देवांगन जी, महेंद्र देवांगन जी ने अपना हाथ ऊपर किया है, इससे बात कर लेते हैं। हाँ महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्लास बहुत अच्छा था सर, जुड़े गणित तो बहुत सरलतम रूप। हमारे साथ और जुड़े हुए हैं नारायण भाई, नमस्कार। अच्छा ओपी सर बोल रहे हैं क्या, सर जी नमस्कार, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षा कर्मी फेडरेशन संघ के जुड़ चुके हैं, तो आप सबका हमारे इस मीटिंग की तरफ से अभिनंदन है सर। पढ़ाते हैं ना उसमें हम लोग अभी तक से फील्ड में नहीं उतरे हैं, मतलब सही बात से पढ़ाना है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट था कि आप लोग 2-4 जनों कम से कम जो एक्सपर्ट आप जो हम लोग को थोड़ा सा गाइड देते बिल्कुल, तो हम लोग अच्छे से समझ पाते भाई। जैसे आप अभी लैपटॉप में बैठे हैं या कंप्यूटर में बैठे हैं, हम लोग भी उसमें बैठते ना तो हम लोग को थोड़ा आसानी होता। वैसे आप लोग का क्लास बहुत ही बेहतरीन है और तारीफ के लायक है भाई, बधाई हो आप लोग को। धन्यवाद सर। हाँ सर, इसमें ना कम से कम संख्या एक बार, मतलब जो मीटिंग अभी आयोजित करोगे ना तो उसमें कम संख्या रखिए, ताकि जो 5 जने जैसे उस सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे ना तो और आसानी होगा, थोड़ा ज्यादा संख्या रखिए। तो एक काम कीजिए सर, मीटिंग शेड्यूल तो बना लेते हैं, है ना। हाँ शेड्यूल आप बनाइए। हाँ और उसमें किस किस टीचर को जोड़ना है आप जोड़िए, और मुझे भी लिंक को भेजिए, उसके बाद हम लोग एक साथ शेयर हो जाए। चलो ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। हाँ सर, हाँ धन्यवाद सर। हमारे साथ ठाकुर सर भी जुड़े हैं, सूर्यकांत ठाकुर सर जी नमस्कार, बताइए सर अपना अनुभव। बहुत अच्छा था सर। अच्छा धन्यवाद सर, कुछ उस पे सुधार सर, जिसमें मैं सुधार। बहुत अच्छा था। कुछ कमी बताइए। कमी क्या है सर, सब ओके है सर, बहुत अच्छा था आपका प्रयास, बहुत शानदार था सर जी। आप तो कल भी जुड़े थे सर, आहा क्षण में जब अपना विचार रखे, मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो राज्य शासन की जो योजना है उसको वास्तव में हम CSC विकास खंड स्तर पे हमारे BRCC सर ले जाने का प्रयास करते हैं, उसको आप घरों तक ले जाने में, मतलब आप शिक्षकों के घरों तक ले जाने में भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और नए नए इम्प्लूमेंट के साथ आप नए नए टेक्निकल जो चीज़ें उसको तो आप बताते ही हैं सर,
साथ में ऐसा भी चीज है जो मतलब आज का जो विषय आपने जैसे बताया कि आपको मोबाइल से कैसे आप अपना ऑनलाइन क्लासेस को और सुदृढ़ कर सकते हैं और अच्छे से मतलब सिखा सकते हैं बच्चों को, इसके बारे में भी आपने जुगाड़ के माध्यम से कैसे आपको क्लास लेने में मोबाइल में यदि दिक्कत होता है तो आप कैसे उसको जुगाड़ से आप कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि राज्य सरकार के जो टेक्निकल है पढ़ाई तुम्हारे द्वार को उसको तो लेके आते ही हो, साथ में अपने तरफ से जो इम्प्लीमेंट करते हो, जो उपयोग करते हो नए तरीका, वो भी उसको भी लेके आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में आपसे जुड़ता भी हूँ, देखे भी हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है सर मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही सीखूं और मतलब हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। कोई भी रहे, चाहे मेरे संकुल से आप अपने शिक्षक साथियों को पूछ लीजिए, कभी भी जब भी लिंक शेयर करते हैं मैं समय निकाल कर बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करता हूँ सर। और आप लोगों के बातों को ही मैं ऊपर तक ले जाता हूँ, उच्च कार्यालय तक, और उच्च कार्यालय से सीधे बच्चे तक भी परोसने का प्रयास करता हूँ। जी सर, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ।